हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आए उत्तर प्रदेश हाई एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से। तो इस नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो उन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। तो अब इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का, जो कि बल्क में आया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल 2002 वैकेंसीज को निकाला गया है जो कि सारे सब्जेक्ट्स में मिला कर हैं। तो इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया उत्तर प्रदेश हाई एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने। तो हम जानेंगे इस वीडियो में इसके डिटेल में, ठीक है? तो देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ड्राइंग, म्यूजिकल, सितार, म्यूजिक, तबला, हिस्ट्री, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉटनी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटनी का जो सिलेबस है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यूपी हाई एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज बॉटनी सब्जेक्ट कोड। और आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आपको सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और इसी के बेस पे आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी सिलेबस दे रखा है, जो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके पड़ोस में दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, तो जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? इसके अलावा अगर आप जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए, तो आपको करना क्या, आपको UPHESC2021.co.in पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड में कि लॉगिन टू एक्सेस योर अकाउंट। तो अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करेंगे तो आप जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा और यहाँ पे आप जो है जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं इस तरह आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इस फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे और अपना जो फर्दर जो फॉर्म का फिलअप है वो आपको करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो है आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 3 मार्च 2021 6 AM से। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेरी है इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आप मेल कर सकते हैं admin@UPHESC2021.co.in, ठीक है? इसके अलावा देखिए आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे पढ़ना है। जैसे आपको पहले साइनअप करना पड़ेगा, साइनअप करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने अपलोड डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपको 50 KB से कम JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर आपका होना चाहिए JPG और JPG फॉर्मेट में 50 KB तक से कम, और आपका अपलोड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा की। इसके अलावा अपलोड SC ST OBC PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये सब करके जो है आप अपना जो फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म करेक्ट है तो आप सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपना ये फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे क्लिक लाइक फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है। तो देखिए ये एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है और पूरा आपको इस टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा, एक टेबल देखने को मिलेगी जिसमें आप जो है जिस भी चीज़ से आपको आपको डाउट है तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, चाहे वो एग्जाम डेट्स, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेट्स हों, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे आपका जो एप्लीकेशन फ़ी हो, तो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए जब से पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले वो 25 फरवरी को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने थोड़ा डिले किया, डिले की वजह से जो है ये आप जो फॉर्म है वो 3 मार्च से वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 मार्च से जो है आपका फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा लेट दे रखा है, लाइक पहले दे रखा है कि 25 फरवरी से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हुआ है। तो 3 मार्च से जो है आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 2002 वैकेंसीज को निकाला है,
ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आपको www.upscheonline.org पे जाके आपको जो है अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपने आपको बता दी है स्टार्टिंग में, तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, तो अगर आप जनरल हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है। वही अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तब भी आपकी 2000 रुपीज़ है। वहीं अगर आप SC या ST से कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपका आवेदन शुल्क 1% प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। अगर रुपये डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको नील कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप यूनियन स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा प्लस सर्विस टैक्स, और अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग से 10 रुपीज़ और सर्विस टैक्स। इसके अलावा ई चालान के द्वारा 40 और UPI द्वारा नील। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के जो तरीके दिए गए हैं। तो अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना चाहते तो आपके पास अगर रुपये डेबिट कार्ड है तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी 2000 रुपीज़। अगर आप UPI द्वारा कर रहे हैं तब भी आपको जो है सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको भी अगर आप अदर UPI और क्रेडिट और UPI और रुपये डेबिट कार्ड से अगर आप कर रहे हैं पेमेंट तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो 62 ईयर्स तक भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हैं तो यहाँ पे देखिए जो अधिकतम उम्र है वो 62 ईयर यहाँ मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे अगर बात करें एमोलूमेंट्स का, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो 15,600 टू 39,100 रुपीज़ का जो है आपको यहाँ ग्रेड वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस एंड साइंसेस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट पॉइंट ग्रेड पे इन आर 11 सब्जेक्ट में। ठीक है। तो अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MSc जो है बॉटनी में होना चाहिए। इसके अलावा आपका CSI, UGC, नेट भी होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉटनी में अप्लाई कर रहे तो या जूलॉजी में अप्लाई कर रहे तो आपका जो नेट है वो लाइफ साइंस में होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे तो आपका नेट लाइफ साइंस में होना चाहिए। अगर आप जूलॉजी अगर आप जो है फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपका जो नेट है वो फिजिक्स में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्लेट या सेट एग्जाम पास किया है तब भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर अपना PhD जो है अपना 2009 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे नेट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका PhD डिग्री जो है रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्यूएट किया होना चाहिए। आपका ओपन PhD वाई वर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए फ्रॉम योर PhD वर्क। इसके अलावा जो है आपने मिनिमम 2 सेमिनार से कॉन्फ्रेंस दिए होने चाहिए, मिनिमम 2 नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने PhD अपना अब्रॉड से किया है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 रैंकिंग में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू QS दा और ARWU संघाई। तो इन रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी वो दे रखी है वो डिपेंड करता है आप पे कि आप जो है वो कौन कौन से ये सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी बेस पे आप तो एलिजिबिलिटी वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जो अलाइड सब्जेक्ट वो भी आपको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एशियन कल्चर में, तो अगर आप एशियन कल्चर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अगर डिग्री प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक, पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग टेक्सटाइल या ह्यूमन डेवलपमेंट में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए अगर बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री प्लांट साइंस में होनी चाहिए। अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर डिग्री बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी में होनी चाहिए। तो इनमें से अगर किसी में भी आपकी डिग्री तो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर बॉटनी में, तो अगर आपकी MSc डिग्री एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी में या PG क्रॉप फिजियोलॉजी में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, तो आपकी डिग्री जिसमें हो या जिस चीज़ में आप एलिजिबल हो आप उसके लिए ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो पार्ट 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 2 आपको जो है
आपको अपना जो एप्लीकेशन फ़ी वो पे करना है, चाहे वो आप नेट बैंकिंग से करें, चाहे यूपीआई से करें, चाहे चालान से करें। आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जिस भी लाइक जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके थ्रू जो है अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी, तो आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी लाइक रिटर्न एग्जाम का जो भी आपको शेड्यूल है, वो आपको जो है ईमेल लाइक एसएमएस या ईमेल के द्वारा जो है या वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र के दो प्रतियाँ तथा आयु एवं शिक्षा शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंक पत्र प्रमाण पत्र उपाधि की स्वप्रमाणित दो दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप जो है आपका एंट्रेंस निकल जाता है, तो अगर और आपको इंटरव्यू के टाइम पे हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, तो ऐसे करके जितने भी 10 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो सारा जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात ही बात है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने कॉलेज मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सारे कॉलेज में यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पद भी आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने टोटल पद है। फॉर यहाँ पर बात करें प्राणी विज्ञान में, तो यहाँ पे देखिए 96 है, जिसमें 83 सह शिक्षा महाविद्यालयों में है, और वहीं 13 जो है वो है आपका महिला महाविद्यालय में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। अगर बात करें बॉटनी की, तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान जिसमें 92 है, वहीं अगर बात करें वाणिज्य की, तो यहाँ 79 है, संस्कृत में 74 है। तो ऐसे करके आप जो है देख सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पर पूरी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन करा के टोटल जो वैकेंसी वो 2002 है सारे सब्जेक्ट में मिला के। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो है किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारे कॉलेज में जितनी वैकेंसीज हैं वो सब देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस टाइप की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।